उत्तर प्रदेश में 42,000 होमगार्ड के पदों पर भर्ती निकाली है। आज के इस वीडियो में बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं, वीडियो पूरा देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में होगी 42,000 होमगार्ड की भर्ती, सीएम योगी ने दिए आदेश। सरकार की ओर से प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के मुहिम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए 42,000 होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती के आदेश दिए। उन्होंने जल्द हजारों होमगार्ड के सेवानिवृत्त होने के दृष्टिगत जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। साथ ही होमगार्ड्स को आपदा मित्र के रूप में तैनात करने के लिए नियमावली बनाने का निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश शनिवार को यहाँ होमगार्ड के विभाग की समीक्षा के दौरान दिए हैं। कानून व्यवस्था आपदा काल की स्थिति में होमगार्ड के स्वयंसेवकों की भूमिका की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्यों में भी उत्तर प्रदेश के होमगार्ड स्वयंसेवकों के ने उत्कृष्ट कार्य किया है, इसलिए उन्हें बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए। और सीएम ने फिटनेस के मैनेजर साप्ताहिक ड्रिल कराने को कहा। और वर्तमान में सेवारत होमगार्ड को आपदा मित्र का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था शुरू करने का आदेश दिया है। हर साल सेवानिवृत्त तो हो रहे 4,000, बता दें वर्तमान में प्रदेश में 76,000 से अधिक पूर्णकालिक होमगार्ड स्वयंसेवक हैं। लगभग 75,000 ड्यूटी पॉइंट पर तैनात हैं। इनमें से प्रतिवर्ष लगभग 4,000 होमगार्ड सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अनुमान के मुताबिक वर्ष 2033 तक 42,000 से अधिक होमगार्ड सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री ने नई नियुक्ति की प्रक्रिया समय से पूरी करने का आदेश दिया और कहा कि दो चरणों में 21,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती करने का लक्ष्य लेकर कार्रवाई आगे बढ़ाएं, मैन पावर का करें सदुपयोग। योगी ने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से तैनात आपदा मित्र के रूप में हमारे पास पहले से ही दक्ष मैन पावर है, हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। आपदा मित्रों का प्रशिक्षण करवाकर उन्हें होमगार्ड स्वयंसेवक के रूप में सेवा देने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करते हुए विधिक परामर्श प्राप्त कर नियमावली तैयार करवाएं। तो अभी इसको लेकर के फाइनल डेट नहीं आई है, जैसे नई अपडेट आती है आप लोगों को सूचना दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में लगभग 42,000 पदों पर यह भर्तियां होने वाली हैं। और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर दोबारा सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। थैंक यू।